और श्री राम जी तो कहते हैं कि विश्वनाथ भीष्मनाथ शिवद्रोही मम भगत कहा मेरा दास कहलाता है, शिव द्रोही मम दास। अब अगर इस चौपाई का अर्थ इस तरह से ले लिया जा रहा है, पूरी चौपाई तो है कि शिव द्रोही मम दास कहावा सुनर सपने उमोहि न पावा। जो व्यक्ति भगवान शंकर का द्रोही हो, दुश्मन हो, शत्रु हो, भगवान शंकर का द्रोह करता हो, मानता ना हो और मेरा दास कहलाता हो, वह व्यक्ति स्वप्न में भी मुझको प्राप्त नहीं कर सकता। शिव द्रोही मम दास कहावा सोनर सपने मोहि न पावा। अगर आधी ही चौपाई पढ़ ली जाए तो श्री राम जी कहते हैं कि शिव द्रोही मम दास कहावा, शिव जी का द्रोही हमारा दास। इसीलिए जब तक कोई पूरी पंक्ति ना पढ़ी जाए तब तक उसके अर्थ में नहीं जाना चाहिए, पहले पूरी पंक्ति पढ़ लेनी चाहिए। कोई भगवान शिव का द्रोही हो, राम जी का दास कहलाता हो, राम जी की पूजा करता हो, राम जी का अर्चन वंदन करता हो, वो सोचे कि भगवान श्री राम हमको मिल जाएंगे, राम जी स्वयं अपने मुख से कहते हैं कदापि नहीं, बिल्कुल हम मिल ही नहीं सकते उस व्यक्ति को जो कि शिव जी का द्रोह करे। मेरा दास कहा शिव जी का, जो शिव जी की भक्ति स्वीकार ना करे उसको हम नहीं मिल सकते। आहा, तो ये तो हो गई कोई व्यक्ति भगवान शिव का दास द्रोही हो, लेकिन कोई श्री राम जी का द्रोही हो फिर दास कहलाए अपने आप को शिव जी का, भगवान शिव कहते हैं कि वह भी हमको नहीं पा सकता। इसीलिए अगर हम किसी की भी भक्ति करना चाहें, किसी भी इन दोनों में से मानना चाहें, तो ये आवश्यक है कि हम दोनों को माने। वरना एक की पूजा करें तो नहीं। श्री काकभूषण जी कहते हैं कि एक बार की बात है, Thank you.
एक बार घोर कलयुग हुआ। कहा भुशुंड जी बोले उस घोर कलयुग में मेरा जन्म हुआ। वो घोर कलयुग ऐसा मेरा उसमें शूद्र परिवार में जन्म हुआ और मैंने देखा कि श्री राम जी की नगरी में मेरा जन्म हुआ। ऐसे सौभाग्यशाली रहे श्री काकभूषण जी। लेकिन कलिकाल इतना कठोर था, घोर था। श्री तुलसीदास जी वर्णन करते हैं उत्तरकांड में सौवे दोहे के बाद कि इतना अत्याचार संत महात्मा वही जिनके नख अरु जटा विशाला सुई तापस प्रसिद्ध कलिकाला मारक सुई जाता हूं जो ही भावा पंडित सोई जो गाल बजावा जो कहे झूठ मस करी नाना कलिजुग सोई गुणवंत बखाना नारी विवस नर सकल गुसाई नाच ही नट मरकट की नाई। उस घोर कलियुग में मेरा जन्म और मेरा जन्म रघुपतिपुरी अयोध्या में। लेकिन भगवान की लीला कि उस समय अयोध्या में अकाल पड़ गया, वर्षा हुई नहीं, बारिश नहीं हुई अयोध्या में, ऐसा अकाल। तो मुझे लगा कि ये कैसे राम जी भगवान हैं जिनकी नगरी में ही अकाल पड़ रहा है। मैंने सोचा, श्री काकभूषण जी कहते हैं कि मैंने सोचा कि कैसे भगवान जो अपने नगर वालों का ही ख्याल नहीं रख पा रहे, अपनी नगरी का ही ठीक से ध्यान नहीं रख पा रहे, वो हमारा क्या ध्यान रखेंगे। तो मेरा मन खिन्न हो गया और मैंने सोचा कि राम जी ठीक भगवान नहीं, ये ऐसे ही। तो मैं मालवा क्षेत्र में आ गया, उज्जैन गया। उज्जैनी सुन उर गारी दीन मलीन दरिद्र दुखारी दीन मलीन दरिद्र दुखारी। मेरा जन्म हुआ उस समय और मैंने मालवा में देखा उज्जैन आकर। यहाँ पर तो आनंद ही आनंद बरस रहा, चमन बरस रहा, यहाँ पर तो सब कुछ वर्षा हो रही है, जितना सब कुछ भी। मैंने सोचा ये भगवान बढ़िया है, ये भगवान सबसे उत्तम। तो मैं भगवान महाकालेश्वर की पूजा करने लगा, उन्हीं को मन में ध्याता, मन में उन्हीं का स्मरण करूं। श्री काकभूषण जी बोले कि मैं शंकर जी की तो आराधना कर रहा था, बड़ी सुंदर बात, लेकिन मेरे अंदर एक और चीज होने लगी। मैं जहां भी विष्णु भगत देखता उनसे मैं द्रोह करता,